नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जिनके रिजल्ट आए हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, एसबीआई कार्ड और एक्सिस बैंक। तो इन सारे के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कई सारी कंपनियों के रिजल्ट पिछले दो दिन में आ चुके हैं, तो इसके अपडेट के बारे में इस वीडियो में अपडेट होगा कि रिजल्ट कैसा रहा और आपको उसके अनुसार शेयर में क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड, इसका रिजल्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था। जो भी लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। वहां पर हम क्विक जैसे रिजल्ट आता है हम डाल देते हैं उसी दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई कार्ड का जो रेवेन्यू है, यहाँ पर देख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये लाख में है, तो करोड़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 2152 करोड़। तो ये हमारा लाख में है, तो इसको करोड़ में बदलने के लिए दो डिजिट इसका मतलब इधर से छोड़ दीजिए आगे से। ये जो हमारा हो गया 2152 करोड़, जो कि हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस भी काफ़ी मतलब कम है, और अगर यहाँ से पिछले क्वार्टर्स कंपेयर करें तो ज़्यादा है। तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम नीचे चलते हैं जो इनकम है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 393 करोड़, जो कि हमारा पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है 345 करोड़ से, और जो हमारा उससे पहले का था मात्र था 83 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है, पिछले क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है। तो एसबीआई कार्ड रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो लॉकडाउन में ऐसा रिजल्ट का हम परफॉर्मेंस एसबीआई कार्ड से उम्मीद नहीं किए थे, तो निश्चित है कि काफ़ी बेहद अच्छा रिजल्ट दिया है, काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है एसबीआई कार्ड का। तो एसबीआई कार्ड में आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए जब भी ये आपको नीचे के प्राइस पर मिलता है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो आईपीओ था वो लिस्ट होने का प्राइस 1100 माना जा रहा था, लेकिन ऐसे समय में इसका एसबीआई कार्ड का आईपीओ लिस्ट हुआ जहां से ये 500 तक के नीचे के लेवल पे आ चुका था। तो अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब भी करेक्शन पे मिले, जब भी आपको नीचे के प्राइस पर मिले, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा टाटा एलेक्सी। टोटल इनकम है फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये भी हमारा लाख में है, तो करोड़ में आप देखिएगा टाटा एलेक्सी का 413 करोड़ टोटल इनकम है फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस आप बात करेंगे 373 करोड़ मात्र होगा यहाँ पर जून क्वार्टर में। इधर आगे से दो डिजिट आपको छोड़ देनी है लाख को करोड़ में बदलने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट जो आप यहां से देख सकते हैं, तो ये हो गया 68 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया इस पीरियड के लिए, जून क्वार्टर के लिए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, 48 करोड़ था जून क्वार्टर 2019 में, तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद पिछले क्वार्टर में था 82 करोड़, तो उससे कम है। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में काफ़ी तेजी आई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ी सी गिरावट है। उसके बाद हमारा है एसबीआई लाइफ, यहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो अच्छा नहीं है, तो इसके लास्ट में हम बात करेंगे न्यूज से। जो न्यूज में हमारा एसबीआई लाइफ का रिजल्ट पब्लिश हुआ है वहाँ से देखेंगे। इसका यहाँ पीडीएफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिखाई नहीं देता, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे जो रिजल्ट है इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो लास्ट में इसको हम देखेंगे। ये देखते हैं लेटर काफी। तो अगला है हमारा बजाज फिंसर, इसके रिजल्ट को देखते हैं। तो इसका सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो रिजल्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ये नीचे आते हैं। तो टोटल इनकम हो गया हमारा 14000 करोड़ का, और जो कि देखते हैं ये जो इनकम है हमारा पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और जून क्वार्टर 2019 उससे भी ज़्यादा है, तो इनकम में काफ़ी वृद्धि हुआ है। अब हम चलते हैं इसके प्रॉफिट पर। तो जो प्रॉफिट है हमारा बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर देख सकते हैं 1922 मतलब 1922 करोड़ का, और जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद हम बात करें जून क्वार्टर 20 उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, जून क्वार्टर 20 में था 1454 करोड़, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने देख लिया जो प्रॉफिट है बजाज फिनसर्व का काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो बजाज फाइनेंस है उसका कम हुआ। इसके बाद हम बजाज फाइनेंस पे चलेंगे तो वो काफ़ी कम हो गया। अब इसका अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, क्योंकि ये हॉट स्टॉक है, काफ़ी हम लोगों के साथ न्यूज़ में रहता है ये स्टॉक। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देख सकते हैं है 76 का, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है, और देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब बजाज फिनसर्व का प्रॉफिट में काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ है, और जो कि इफेक्ट आपको शेयर प्राइस के मोमेंटम से भी देखने मिल सकता है आगे।
लेकिन इसमें जो हमारा है बजाज फाइनेंस, इसके प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई है। यह बजाज फाइनेंस का रिजल्ट सीट, यहाँ पर हम पीडीएफ में आप यहाँ देख लीजिए, बजाज फाइनेंस ये रुपीज जो है करोड़ में ही है इसका। तो नीचे चलते हैं, तो नीचे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो टोटल इनकम जो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5900 करोड़ का, और इसका जो पिछले क्वार्टर में था 6005 करोड़ का, तो रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम जो है डिक्रीज हुआ है। वहीं बात करें जून क्वार्टर 19 में तो ये था 5300, तो इससे इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम। लेकिन अब हम नीचे एक्सपेंस भी इसका देखेंगे, तो ये है हमारा स्टैंड लोन है, फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल एक्सपेंस भी पिछले साल के जून क्वार्टर से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। देखते हैं 4700 करोड़ है एक्सपेंस इस जून क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है मार्च क्वार्टर से, लेकिन जून क्वार्टर 19 से काफ़ी इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस। तो जो हमारा मेन थिंग्स है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए 869 करोड़, वहीं जो हमारा जून क्वार्टर 19 था इसमें काफ़ी ज़्यादा था 1124 करोड़, तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट, 891 करोड़ था, तो प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई है बजाज फाइनेंस में। तो अर्निंग पर शेयर देखिएगा यहाँ, इसमें भी काफ़ी गिरावट है, 14.49 रुपया अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर में 14.86 रुपया था, और जो हमारा जून क्वार्टर 90 था उसमें 19.49 रुपया था। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी गिरावट है। अब हम इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देख लेते हैं, तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख सकते हैं, इसमें भी हमारा जो इनकम है यहाँ पर टोटल इनकम वो जून क्वार्टर बेसिस पर देखें मतलब 19 का जून क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम, लेकिन पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ देखते हैं 3-4, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 962 करोड़, तो यहाँ पर देखते हैं 962 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये जो हमारा पिछला क्वार्टर है उससे ज़्यादा है, लेकिन जून क्वार्टर 19 से काफ़ी कम है, वहाँ पर था 1195 करोड़, तो यहाँ से काफ़ी ये कम हुआ है। तो ये सारे मतलब रिजल्ट हो गए बजाज फिनसर बजाज फाइनेंस के, तो बजाज फाइनेंस का काफ़ी मतलब रिजल्ट जो है प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है, और बजाज फिनसर्व के प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है 40% का जब बजाज फिनसर्व में, लेकिन इसके स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने मिलेगा। अब हमारा अगला जो कंपनी है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट पेश किया है, तो इस कंपनी के स्टॉक्स में आपको कल काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा है, थोड़ा सा हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा है 20 का जून क्वार्टर, ये है 19 का जून क्वार्टर, यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम 10716 करोड़ का, और ये है 10261 करोड़ का, ये करोड़ में है या लाख में यहाँ पे लिखा रहता है, आपको इस कॉर्नर पे यहाँ पर देख सकते हैं राइट कॉर्नर ऊपर जो है यहाँ पर करोड़ में ये है लिखा हुआ रहता है, किसी में लाख में रहता है तो यहाँ लिखा हुआ रहता है, किसी में मिलियन में रहता है तो यहाँ मिलियन में लिखा रहेगा, तो आपको वहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया इनकम जो है इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करें यहाँ पर देखते हैं 31 मार्च 19, तो पिछला क्वार्टर में जो है उससे भी इंक्रीज हुआ है, मतलब जून क्वार्टर 19 से भी इंक्रीज हुआ है, और पिछला क्वार्टर मार्च जो था उससे भी जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये है 1881 करोड़, जबकि जून क्वार्टर 19 में था 1755 करोड़, तो जो क्वार्टर मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है, देखते हैं मात्र 1519 करोड़ था मार्च क्वार्टर में, तो यहां से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ ये कंपनी आपको डिविडेंड भी पे की है 9.50 रुपया का, 9.50 रुपया का डिविडेंड भी पे की है, और साथ साथ अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर अभी 8 रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा था, यदि 19 के क्वार्टर में ज़्यादा था तो अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट हुई है। वहीं जो हमारा अर्निंग पर शेयर था पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में मात्र 7 रुपीज़ था, तो यहाँ से अर्निंग पर शेयर 1 रुपया का बढ़ा है। साथ साथ ये कंपनी आपको डिविडेंड भी पे की है, तो जो भी इनके शेयर होल्डर हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन न्यूज़, अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 950 रुपया डिविडेंड के रूप में मिलेगा पर शेयर, 9.50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो ये भी आपको एकदम ध्यान में रखनी है। कंपनी जो है
लगातार डिविडेंड पे करती आई है, हर साल डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को, तो इस बार भी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे की है 9.50 रुपया। यहाँ पर देखते हैं स्पेशल डिविडेंड ऑफ 9.50 रुपया फेस वैल्यू 1। उसके बाद एक और बेहतरीन कंपनी जिस स्टॉक में आपको काफ़ी तेजी देखने मिलता होगा जो बजाज ग्रुप का ही है, वो है महाराष्ट्र स्कूटर। इसका भी हम रिजल्ट यहाँ देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट किस में है, करोड़ में, लाख में, ये लाख में है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके। देखिए तो ये हमारा है जून क्वार्टर 2020, तो इसका मात्र जो है टोटल इनकम है 5 करोड़, क्योंकि ये लाख में, इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 5 करोड़ हो गया मात्र। वहीं जो पिछला मतलब था क्वार्टर 31 मार्च का, उसमें था 125 करोड़, 125 से डायरेक्ट आ गया 5 करोड़। तो देख सकते हैं जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी मतलब सेल्स में गिरावट आया है। वहीं जो हमारा जून क्वार्टर था 19 का, उसमें भी मात्र था 5 करोड़। मतलब ये क्वार्टर जो है जून क्वार्टर, इसके लिए काफ़ी बुरा क्वार्टर है। यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी गिरावट, मात्र 5 करोड़ का था। तो यहाँ पर वृद्धि क्या हुआ था, ये जो है 31 मार्च का जो क्वार्टर था उसमें जो अदर इनकम था उसमें ये 119 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम था, मतलब अदर इनकम, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इनकम बढ़ गया था इसका। 119 करोड़ का जो अदर इनकम था, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया था। ये 11,000 लाख में है, 11,938 लाख, लेकिन करोड़ में लेंगे तो 119 करोड़ होगा। वह इसका जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ हो गया मात्र 1 करोड़ 45 लाख। वहीं जो पिछला क्वार्टर था उसमें था 107 करोड़ का प्रॉफिट, और वहीं जो हमारा जून क्वार्टर 19 था वहाँ था 1 करोड़ 69 लाख। तो यहाँ से भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है, यहाँ से भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में काफ़ी फॉल आया है। वहीं से अर्निंग पर शेयर जो है हमारा 1.27 रुपीज, मतलब 1.27 रुपीज़, वहीं पिछले क्वार्टर में था 93 रुपीज़ का, और जून क्वार्टर में था 19 में 1.48 रुपीज़ का। तो हर पैरामीटर्स पे इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ख़राब है, अर्निंग पर शेयर में, रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। उसके बाद मैंने बात किया था एक्सिस बैंक क्वार्टर वन रिजल्ट, देखते हैं प्रॉफिट फॉल 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹1,112 करोड़, मतलब प्रॉफिट जो फॉल करके इतना करोड़ पे आ चुका है। एज प्रोविजन जंप्स 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस, प्रोविजन में भी जंप हुआ और साथ साथ प्रॉफिट में भी फॉल हुआ 19%। तो इस बैंक का रिजल्ट काफ़ी ख़राब है, तो इसके स्टॉक पर, इसके शेयर पे भी आपको इसका इफेक्ट देखने मिलेगा। वहीं अगला जो हमारा स्टॉक था एस बी आई लाइफ, यहाँ पर देखते हैं SBI Life क्वार्टर वन रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइज 5% टू ₹390 करोड़ तक इसका प्रॉफिट जो है जंप कर चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 5% जंप किया है। उसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस इतना जंप किया है। उसके बाद देख सकते हैं HDFC Life क्वार्टर वन रिजल्ट प्रीव्यू अप टू 36% फॉल इन प्रॉफिट। आगे ये बताया जा रहा है कि HDFC का जो रिजल्ट आएगा उस लाइफ का, उसमें 36% प्रॉफिट में फॉल हो सकता है HDFC Life में। तो याद रखिएगा ये एस्टीमेट बता रहा है कि प्रॉफिट में 36% तक का फॉल हो सकता है। जैसे रिजल्ट आएगा तो हम आपको बताएंगे, अगर प्रॉफिट में इतना परसेंट का फॉल आता है निश्चित है शेयर के प्राइस में करेक्शन आपको देखने मिलेगा। उसके बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आपने देख लिया कि बजाज फिनसर्व क्वार्टर वन रिजल्ट नेट प्रॉफिट जम्प 44% टू ₹1,215 करोड़, इनकम राइज 16%, इनकम भी 16% बढ़ा। बजाज फाइनेंस प्रॉफिट फॉल्स ऑन एडिशनल कंटीजेंसी प्रोविजंस COVID-19, तो एडिशनल जो कंटीजेंसी प्रोविजंस था उसके कारण प्रॉफिट में फॉल आया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो आपको बताना था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लगातार कौन कौन सी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं उससे अपडेट रहिए। आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं और जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके रिजल्ट से पूरी तरह से आपको हमेशा अपडेट रहना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी कैसा प्रॉफिट मेक कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है।
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।